जी आपको पता है अभी 21/11/2022 को जो बीएससी प्रथम वर्ष और बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का जो रिजल्ट आया है तो ये केवल मात्र 5 से 10% विद्यार्थी जो पूरे एचपीयू इसमें पास हुए हैं। हमारे साथ इस टाइम इस धरने में ऐसे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो प्लस टू में अपने स्कूल्स में टॉप पर रहे हैं मगर आज उनको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। वो बच्चे कह रहे हैं किसी सब्जेक्ट में हमें 85 मार्क्स दिए हैं तो किसी सब्जेक्ट में हमें 2 मार्क्स दे के फेल कर दिया है। क्या मांग करते हैं कि रिजल्टों में किस तरह से बदलाव किया जाए? ये जो एचपीयू की इस बात जो ये पेपर चेकिंग प्रणाली है ये कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य खराब कर रही है तो हमारा एचपीयू प्रशासन से यही निवेदन है इसलिए धरना किया जा रहा है कि इस प्रणाली के ऊपर कोई कड़ा सा कड़ा संज्ञान लिया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए क्योंकि ये विद्यार्थी अभी द्वितीय वर्ष की पेपरों की तैयारी कर रहे थे मगर ये इनको जब रिजल्ट आया तो उनको ये पता लगा ये तो प्रथम वर्ष में ही फेल है तो सेकंड वर्ष में क्या करेंगे। अगर आपकी मांग को हल नहीं किया जाता है अगर एचपीयू रीचेकिंग नहीं करता है तो अगला प्रदर्शन क्या किया जाएगा? अभी जब हम वक्तव्य रख रहे थे तो हमने इस मंच से एचपीयू प्रशासन को चेतावनी दी है आगे छात्राओं की इन छात्राओं की मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता है इस रिजल्ट में जल्द से जल्द कोई सुधार नहीं लाया जाता है तो इसमें इन छात्रों के साथ मिलकर विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करेगी चाहे खामियाजा जो भी हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये धर्मशाला महाविद्यालय का ही परिणाम है या फिर पूरे यूनिवर्सिटी द्वारा जो है तमाम विद्यालयों में जो है ये इसी प्रकार का परिणाम आया जाए? ये पूरे विश्वविद्यालय कैसा परिणाम है आप देख सकते हैं। आज शिमला जिला पूरा 1 बजे जो जिला स्तर पर इसका धरना करेगी साथ में विश्वविद्यालय स्तर पे पिंक पेटल चौक पे विश्वविद्यालय की इकाई इसके लिए धरना करेगी। धर्मशाला में इसका धरना हो रहा है पूरे स्टेट में धरना हो रहा है कल भी धरना किया गया था आज भी धरना किया गया हमारे द्वारा और जब तक इन छात्रों के साथ इंसाफ नहीं होता है विद्यार्थी परिषद निरंतर इनके साथ खड़ा है। ठीक है शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि तमाम और साफ तौर से इनका ये कहना है। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।